हेलो फ्रेंड, आइए आज हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट 42, 1 से 41 तक प्रैक्टिस सेट में करा करके प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ दोस्तों, आप जा करके वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 42 देखते हैं आज। तो दोस्तों बोला है पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 42 का, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि नई दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है, तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि राज्यसभा करता है। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा करता है। निम्न में किस शहर में स्वर्ण मंदिर है, तो किस शहर में स्वर्ण मंदिर है दोस्तों, तो अमृतसर पंजाब में स्वर्ण मंदिर है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती भाव भंडार नायके है, श्रीमती भाव भंडार नायके है। पाँच नंबर देखिए, कमायनी के लेखक कौन है, कमायनी के लेखक कौन है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद है। नाइटिंगल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक प्रसिद्ध है, नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है दोस्तों, नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू को हम लोग नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। निम्न में परिवर्तन में तमिलनाडु में किस पार्टी का शासन था, निम्न में वर्तमान में तमिलनाडु में किस पार्टी का शासन है दोस्तों, तो अभी तमिलनाडु में किस पार्टी का शासन है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ए आई ए डी ए का। संतोष ट्रॉफी किससे है, तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो भारत का नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो तारापुर महाराष्ट्र। निम्न में से कौन से देश का लिखित संविधान नहीं है, इसमें कौन सा देश है जिसका संविधान लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, तो आपको यहाँ हो जाएगा इंग्लैंड। मोहनजोदड़ो स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ते सिंध में स्थित है। हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है, तो हजारीबाग आप जानते हैं कि कहाँ है, झारखंड में है। मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा थी, मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा पारसियान है, पारसियान। 14 नंबर देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों, ये लंदन में हुआ था। द इनविजिबल मैन के लेखक कौन है, द इनविजिबल मैन के लेखक है दोस्तों, आपका हो जाएगा यहाँ एच सी वेल्स। अब देखिए सामान्य विज्ञान दोस्तों भाग टू, इसमें 20 क्वेश्चन होगा। शक्ति की इकाई है, शक्ति इकाई क्या है दोस्तों, तो जूल प्रति सेकंड या वाट, जूल प्रति सेकंड या वाट, दो इसका ऐसा ही मात्रक दिया है, जूल प्रति सेकंड और वाट। किस माध्यम से ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है, किस माध्यम ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है दोस्तों, तो आपको होगा हवा में। जेट इंजन इंजन है, जेट इंजन इंजन है, कौन सा इंजन है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि बाह्य दहन इंजन है, बाह्य दहन इंजन, याद रखिएगा ऑप्शन बी बाह्य दहन इंजन। एक्स विकिरण की खोज की थी, एक्स विकिरण की खोज किसने की थी, तो रोजंट ने की थी। पानी का अधिकतम घनत्व कहाँ होता है दोस्तों, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। न्यूटन की गति का तीसरा नियम किन में प्रयोग होता है, तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम किन में प्रयोग होता है, तो हो जाएगा आपका तीरंदाजी और अंतरिक्षण, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों में, तीरंदाजी और अंतरिक्षण में न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा है, तो हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। निम्न में से कौन सा एक पानी में घुलनशील नहीं है, तो कौन है दोस्तों इसमें कि पानी में घुलनशील नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका लेड सल्फेट। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर दोस्तों, निम्न में से कौन सा रासायनिक मिश्रण की संभावित इकाई है, कौन सी रासायनिक मिश्रण की संभावित इकाई है दोस्तों, तो आपको हो जाएगा यहाँ मोलिक्यूलर। निम्न में से कौन सी गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है, तो कौन सी गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है दोस्तों, तो हो जाएगा क्लोरीन जो है वातावरण का हिस्सा नहीं है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, तो ग्लूकोज का सूत्र दोस्तों आप जानते हैं कि C6H12O6 है। मनुष्य में खून की कमी का कारण है, तो मनुष्य में खून की कमी का कारण है विटामिन B12। चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है, तो चेहरे में दोस्तों 14। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 29 नंबर, विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है, तो मानव त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी में किया जाता है, डर्मेटोलॉजी ऑप्शन
डी इज द करेक्ट होगा डर्मेटोलॉजी। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ स्थित होता है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ स्थित है या कहाँ होता है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि गुर्दा में, गुर्दे यानी कि किडनी में। माइका एक रूप है, माइका किसका रूप है दोस्तों, तो हो जाएगा खनिज का। निम्न में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण का कारण होती है, तो कौन सी बीमारी है जो दोस्तों हवा प्रदूषण के कारण बन जाती है, तो अस्थमा यानी कि टीबी। भारी जल सामान्यतः बनता है, भारी जल किससे बनता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ समुद्री पानी से, भारी जल बनता है समुद्री पानी से। निम्न में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है दोस्तों, तो ये बोला है लाल, हरा और पीला, तो इसमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो आपको आ जाएगा पीला जो है प्राथमिक रंग नहीं है, लाल, हरा और नीला है। बिजली का खतरा खपत की इकाई है, बिजली की खपत की इकाई क्या होती है दोस्तों, तो आपको पता होना है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। दोस्तों आपने 1 से 35 तक जीके जीएस याद कर लिया, अब दोस्तों दिखा दे मैं आपको मैथ का स्लाइड, देखिए 36 से लेकर के 43 और ये 41 से लेकर के 50, अब इन दोनों स्लाइड को याद कर लीजिए, देख लीजिए ताकि आप इसको बनाइए, अगर बनता है तो, नहीं बनेगा तो मैं दोस्तों आपको, आप कमेंट में बताइए, मैं बोर्ड पे इसको हल करूंगा, आसानी से आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं। दोस्तों आई होप आपने इसको समझा और याद किया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी यहाँ आसानी से पढ़ सके। थैंक यू, जय हिंद।